हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड स्टार्ट। आज हम बात करेंगे प्रोक्सिमेट एंड अल्टीमेट बिहेवियर के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, बिहेवियर क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई है उसके लिए जो भी रेस्पॉन्ड जनरेट होता है हम उसको बोलते हैं बिहेवियर। ये स्टिमुलाई सेम स्पेसिस से आ सकता है या डिफरेंट स्पेसिस से आ सकता है या तो एनवायरमेंट से आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जो प्रोक्सिमेट एंड अल्टीमेट बिहेवियर के मतलब होता है कि किस तरीके से बिहेवियर परफॉर्म करने से एक ऑर्गेनिजम्स को इंस्टेंट क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि खाना आपने देखा, उसके बाद सालिवेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ से इंस्टेंट आपको क्या बेनिफिट मिला, आपकी जो क्रेविंग है मतलब कि जो भूख लग रहा था या खाने के लिए जो मन है कर रहा है, तो इसलिए आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे इंस्टेंट क्या बेनिफिट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमेट बिहेवियर। अल्टीमेटली बिहेवियर ऑर्गेनिजम्स क्यों शो कर रहा है, उनकी अल्टीमेट कॉज क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जैसे वही खाना वाला एग्जाम्पल हम ले लेंगे, वो खाना खाएगा जिंदा रहेगा और रिप्रोडक्टिव एज तक जिंदा रहेगा, तो उसके बाद उनकी जीन जो है आगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होने के बाद इमिडिएटली तो रिप्रोडक्टिव एज तो नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद आता है, तो तब तक तो उनको जिंदा रहना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया, वही एक एग्जाम्पल से हमने देखा। तो अपनी जो इवोल्यूशनरी बेनिफिट क्या है, कैसे वही पर्टिकुलर बिहेवियर उनको उनके एनवायरनमेंट में जिंदा रखने में हेल्प कर रहा है, उनकी जीन को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे अल्टीमेट बिहेवियर में। ठीक है। अच्छा, तो प्रोक्सिमेट बिहेवियर इंस्टेंट क्या बेनिफिट हो रहा है बिहेवियर पर्टिकुलर बिहेवियर से, एंड अल्टीमेट बिहेवियर का मतलब होता है कि उनकी इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस क्या मिल रहा है, क्या अपने जीन को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि जो जितने भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, इस वजह से वही तो मैंने आपको बताई थी, जैसे जो हनी बी होता है, क्वीन हनी बी, वो ड्रोन को वो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उनके जो कपुलेशंस होता है, मेटिंग बिहेवियर होता है, मतलब कि इन द स्काई होता है। ठीक है। तो वो हनी भी पहले क्वीन हनी भी जो है फ्लाई करेगा बहुत दूर दूर तक। ठीक है ना। तो हाई स्पीड रेट फ्लाई करेगा एंड उसके बाद बहुत हाइट तक, तो ऐसा ड्रोन जो वहां तक चले जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन मतलब कॉपुलेशन करेगा, समझ रहे हो ना। तो उनको चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे बनेंगे सारे को क्या करनी है, खाना कलेक्ट करनी है, नेक्टर कलेक्ट करनी है, तो इसलिए जिस ड्रोन के पास अच्छा जीन है मतलब कि फ्लाइंग पर्पज में, तो वो उनके साथ रिप्रोडक्शन करेगा, जब रिप्रोडक्शन करेगा जो बच्चे बनेंगे उनके पास वो कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसलिए ये भी तो एक सिलेक्शन हुआ ना। ठीक है। तो प्रोक्सिमेट, आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रोक्सिमेट क्लियर बिहेवियर के अंदर हमने ये देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की जो होता है इंस्टेंट बेनिफिट होता है, एंड अल्टीमेट में हम देखेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की जो मतलब कि इवोल्यूशनरी अडैप्टिव बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले की इन्फॉर्मेशन है, यदि आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ के कर सकते हो, ये दिए गए नंबर है 7894226802। ठीक है। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन होता है, आप फिफ्थ सेमेस्टर पर हो तो आप ज्वाइन हो जाइए, तो फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के साथ साथ एंड एंट्रेंस की प्रिपरेशन होगा, या तो आप कोई इंडिविजुअल कोई कोर पेपर या डिसिप्लिन सब्जेक्ट की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ के ले सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है कि बिहेवियर क्या होता है, पहले आपको ये इंट्रोड्यूस करना है कि बिहेवियर ऐसा इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी स्टिमुलस के लिए ऑर्गेनिजम्स कैसे बिहेवियर करता है हम उसको बिहेवियर कहेंगे, एंड बिहेवियर की स्टडी इथोलॉजी में किया जाता है, एंड एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैंने आपको बात किया कोई भी खाना है ना, ऑर्डर मतलब स्मेल जो होता है खाना की, वो स्टिमुलस होता है जिसके रेस्पॉन्स में क्या जनरेट होगा ना, सैलिवेशन होगा। ठीक है। अच्छा, तो अंडरस्टैंड व्हाई एनिमल्स बिहेव, एनिमल्स बिहेवियर क्यों शो करता है, एंड एक्सप्लेन बाय टू वे, एक तो उनकी मतलब कि बिहेवियर करने के रीजन जो है, इंस्टेंट उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है यानी कि प्रोक्सिमेट बेनिफिट क्या होता है, एंड अल्टीमेट कॉज उनकी मतलब कि उनको जिंदा रखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को जीन ट्रांसफर करने के लिए क्या, तो ये दो रीजन होता है इसलिए एनिमल जो होते हैं बिहेवियर शो करता है। अब देखेंगे प्रोक्सिमेट बिहेवियर, प्रोक्सिमेट कॉज आर द इमीडिएट, ये उनको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर दैर आंसर हाउ, तो ये कैसे हो रहा है देखिए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आप चीजें क्लियर हो जाओगे। देखिए, वही फूड स्मेल वाला हम चीजें लेंगे, एक्चुअली जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, ये जीन है, ठीक है ना, इस जीन के अंदर मतलब कि इस पर्टिकुलर जीन हम बात बात करेंगे, ये डीएनए की जीन है, यहाँ से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना, प्रोटीन बनेगा। तो
तो ये प्रोटीन हो सकता है कि कोई कोई भी सेल की रिसेप्टर हो रहा होगा, ठीक है ना। प्रोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली क्या होगा, इस ये जो रिसेप्टर है आपकी सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, जब एक पर्टिकुलर खाने की जो स्मेल है आपके पास आ जाएगा डिफ्यूज होके, तो ये रिसेप्टर उसको क्या करेगा ना, ब्लाइंड बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, बी रिसेप्टर के साथ। ये जो स्मेल मतलब कि जो खाने की जो खुशबू है, जो ऑडोर है, तो ये आके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा ना, साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर मसल्स हो सकता है या ग्लैंड, इस अभी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो सलाइवरी ग्लैंड उसके बाद सलाइवा सिक्रेशन करेगा, ठीक है। तो सलाइवेशन होगा आपके जो फेवरेट खाना देखने के बाद, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जीन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है तो उसको बस ये चाहिए है ना, स्टिमुलस चाहिए। जब स्टिमुलस मिल जाएगा तो अपनी परफॉर्मेंस वो शो कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज लिखा है, प्रोक्सिमेट बिहेवियर डील्स विद इमीडिएट ट्रिगर एंड मैकेनिज्म्स बिहाइंड द बिहेवियर। तो प्रोक्सिमेट बिहेवियर के अंदर हम स्टडी करेंगे कौन सी मैकेनिज्म उससे छुपा हुआ है जिस वजह से ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, समझ लो ना। अच्छा, जैसे मैंने एक मैकेनिज्म आपको बताया जो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, मीन्स आप देख सकते हो प्रोक्सिमेट बिहेवियर में अपने फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म देख सकते हो, कौन सी हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, या जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है वहां पे मसल्स न्यूरॉन्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे, कौन सी पर्टिकुलर जीन है जो रेस्पॉन्सिबल करता है होता है, ठीक है ना। एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंसेस इट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, हाउ एक्सटर्नल स्टिमुली जो है मॉडिफाई मतलब कि ट्रिगर एंड मॉडिफाई द बिहेवियर। एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। एंड डेवलपमेंटल फैक्टर में हम बात करेंगे, हाउ डज द बिहेवियर डेवलप ओवर ए इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम है, क्योंकि कुछ अक्वायर्ड बिहेवियर होता है जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। मान लीजिए एक बार आपने कोई चीज किया गलत हुआ, तो दोबारा तो आप वो गलती तो नहीं करोगे ना, यदि आपने इंसान हो, ठीक है ना, जो बार बार क्या है गलती को दोहराते हो वो तो मतलब कि इंटेलेक्चुअल की काम नहीं करता है साथ, ठीक है। तो इसलिए डेवलपमेंटल एक बिहेवियर के डेवलपमेंट भी आप देख सकते हो, एक चीज मतलब इस रास्ते में आप जा रहे हो, रास्ता सही नहीं है तो आप रास्ता चेंज कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है प्रोक्सिमेट बिहेवियर के बारे में। हमने प्रोक्सिमेट बिहेवियर की कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे कि ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे जी बात करेंगे, जो आपने सारे जो स्प्रिंग सीजन में कुको जो होता है ना, कोयल होता है, उनके गाना आपने सुने होंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब वो ब्रीडिंग सीजन आ जाता है उनकी, ये क्या करेगा, ये सिंगिंग करेगा, ठीक है ना। वो सिंगिंग की जो आवाज होता है ना, जो साउंड होता है, ये किसके पास चला जाएगा, उनके पार्टनर के पास। ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन मतलब कि मेल के पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ब्रीडिंग सीजन में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, जो कि स्टिमुलेट करेगा ब्रेन के एक पार्ट को, जो फिर फर्टाइल फीमेल को देखेगा वो गाना है ना, वो सिंगिंग करेगा। तो सिंगिंग करने के बाद जो फीमेल है, फीमेल जो है उनकी उनके पास और रिसेप्टर है, तो वो क्या करेगा, वो सिंगिंग, तो ये जब आवाज उनके पास जो स्टिमुलस जाएगा, तो उसके बाद वो भी पार्टनर की तरफ आएगा, और उसके बाद उन्होंने मेटिंग बिहेवियर शो करेंगे, समझ रहे हो ना। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो ब्रीडिंग सीजन में जब भी फीमेल को देखेगा, मतलब फर्टाइल फीमेल को देखेगा, सिंगिंग करना स्टार्ट करेगा। और उनकी सिंगिंग होने की वजह से जो फीमेल है, फर्टाइल फीमेल है, वो साउंड को सुनने के बाद वो भी आ जाएंगे मेल के पास फॉर मेटिंग पर्पज, ठीक है। अच्छा, तो ही है प्रोक्सिमेट कॉज ऑकर ड्यू टू सम जीन, कुछ जीन की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। जीन से मतलब जीन है तो प्रोटीन बनेगा, अल्टीमेटली डीएनए आरएनए प्रोटीन बनेगा। देन आरोमा, जैसे हमने खाना की एग्जांपल लिए थे, फूड की जो स्मेल है या आरोमा है, देन गोस्ट बाइंड विद द रिसेप्टर, तो उसके बाद वो जनरेट होता है। आई होप आपको प्रोक्सिमेट क्लियर जो बिहेवियर है वो क्लियर हो रहा होगा क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज याद रखिए, क्या इवोल्यूशनरी बेनिफिट दे रहा है, ठीक है ना। इस जन्म में तो सारे कुछ हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर कम्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर, कुछ ऐसे बिहेवियर है वो तो हेरिडिटरी है ना, ट्रांसफर हो रहा है, जो इनेट बिहेवियर होता है ना, सारे इनेट बिहेवियर हेरिडिटरी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो इनेट बिहेवियर आप देखोगे वो हेरिडिटरी होते हैं, जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है। हियर वी सी इवोल्यूशनरी बेनिफिट एंड फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जिंदा रहने के लिए कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे नेक्स्ट जनरेशन को अपने जीन को ट्रांसफर कर रहा है। अल्टीमेट बिहेवियर फोकस ऑन द इवोल्यूशनरी सीजन, इसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है।
अच्छा, अल्टीमेट कॉजेस आर द इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर, क्लियर हुआ? नेक्स्ट जनरेशन को अपने जीन को ट्रांसफर करने के लिए वो कौन सी बिहेवियर परफॉर्म करता है? जब भी आपने बिहेवियर की स्टडी करोगे तो दो एस्पेक्ट में आपको चीजों को देखनी है। अभी के लिए उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, जो भी बिहेवियर आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना? अभी जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी के लिए आपको क्या बेनिफिट होगा? अभी के लिए बेनिफिट होगा आप एग्जाम में पास हो जाओगे, पढ़ाई करोगे, मार्क अच्छा आ जाएगा। मतलब कि अल्टीमेट बिहेवियर क्या होगा, तो आप है ना कुछ स्किल आपके पास डेवलप होगा, आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, अर्निंग करोगे तो आपकी फैमिली, समझ रहे हो ना? अल्टीमेट वो क्या होगा, फिर जिंदा रहेंगे, खाना आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो सारे फैमिली जो है वो भी उनको आप है ना मेंटेन कर पाओगे। तो अभी के लिए क्या है, फ्यूचर के लिए क्या है, ये दो एस्पेक्ट आपको समझना है, ठीक है? तो अडेप्टिव वैल्यू क्या है, एनवायरमेंट के साथ जो चेंजिंग एनवायरमेंट हो रहा है उसके साथ साथ वो एडजस्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए कौन सी बिहेवियर शो करता है। इवोल्यूशनरी बिहेवियर हम देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है। व्हेन बर्ड सिंग सॉन्ग द सेक्सुअल सिलेक्शन इंक्रीजेस, ऑब्वियसली तो वो जब गाना गा रही है फिर जो फीमेल होगी, फीमेल उनके पास आएगा जिनके वॉइस जो है अच्छा है, ठीक है? तो एग्जाम्पल व्हेन ये चीज दे रखा है, लोरेंज एक साइंटिस्ट थे है ना, उन्होंने बताए थे कि वी स्टडी द बिहेवियर व्हेन यू सी अबाउट द मैकेनिज्म प्रोक्सिमेट। जब भी आपने बिहेवियर स्टडी करोगे आप दो चीज को फोकस करोगे, उनको इंस्टेंट कब कौन सी बेनिफिट हो रहा है, बाद में मतलब इवोल्यूशन कौन सी बेनिफिट हो रहा है। अब हम देखेंगे निकोला स्टिनबर्ग जो थे इवोल्यूशनरी इथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताए थे कि एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपको चार क्वेश्चन की आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट कॉजेसेस द बिहेवियर टू बी परफॉर्म, कौन किस वजह से बिहेवियर जो है परफॉर्म हो रहा है, मीन्स मैकेनिजम्स ऑफ बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। सेकंड आपको देखना पड़ेगा हाउ डज द बिहेवियर डेवलप, ठीक है ना, बिहेवियर कैसे डेवलप हो रहा है। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब जैसे अक्वायर्ड बिहेवियर हो गया, लाइफ टाइम में हर एक इंसान जो होते हैं लर्निंग एटीट्यूड रहता है और सबका रहना भी चाहिए, ठीक है? मतलब कि इसी बेसिस पे हम बात करेंगे, एक इनरेट बिहेवियर होता है, एक अक्वायर्ड बिहेवियर होता है, ठीक है? थर्ड में हम देखेंगे व्हाई इज द एनिमल परफॉर्मिंग बिहेवियर, एनिमल क्यों बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है? एक तो है अभी के लिए जिंदा रहने के लिए, प्रोक्सिमेट के लिए, और दूसरा होता है बिहेवियर शो कर रहा है इवोल्यूशनरी बेनिफिट के लिए, अपने जिन को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए, अच्छे जिन को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? अच्छा, दैट्स व्हाई बिहेवियर परफॉर्मिंग। अच्छा, फिर फोर्थ में देखेंगे हाउ डिड द बिहेवियर इवॉल्व, बिहेवियर इवॉल्व कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा था वही बिहेवियर है, कुछ चेंजेस नहीं है, चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, इट मे बी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होगा या सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से होगा। देखिए बिहेवियर कैसे इवॉल्व हो रहा है, मान लीजिए कोई एक ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है। एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, एक डांसिंग पैटर्न है, मान लीजिए इन्होंने एक पिकॉक है, ये इन्होंने ऐसे डांस किया, कोई भी उनकी जो है ना फेलो है ना उनके अपोजिट पार्टनर है, उनको मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके पास रिप्रोडक्शन मेटिंग बिहेवियर शो करने के लिए नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अपनी जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाएगा, तो यहाँ से ये जो बिहेवियर है खत्म हो जाएगा। यदि ऐसा उन्होंने कुछ ऐसे तरीके से डांस किया जो कि सारे फीमेल को, समझ रहे हो ना, वो जो है क्या है, सारे फीमेल को पसंद आ गया तो आ जाएंगे मेटिंग करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर मेल की जो जीन है नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा, तो इसने नेचर इसको आउट किया और इस चीजों को बढ़ावा दिया, समझ रहा ना? नेचर मतलब इसी तरीके से जीन आगे जाएगा तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे क्वेश्चन वन एंड टू, मतलब की व्हाट कॉजेसेस द बिहेवियर परफॉर्म, मतलब की बिहेवियर की जो मैकेनिज्म हमने देखा कि फूड की अरोमा आएगा, वो बाइंड होगा, जीन एक्सप्रेस होंगे, मसल्स काम करेंगे, ग्लैंड्स काम करेंगे, जो मैकेनिज्म्स है, एंड मतलब कि इंस्टेंट हो रहा है ये चीजें। एंड क्वेश्चन टू में हमने देखा कि बिहेवियर जो है या अक्वायर्ड है, कोई ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम में सीख रहा है या पैदाइशी से प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ये दोनों को हम प्रोक्सिमेट बिहेवियर के अंदर देखेंगे। एंड अल्टीमेट बिहेवियर में थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई एनिमल परफॉर्मिंग बिहेवियर, एनिमल क्यों परफॉर्म कर रहा है, इवोल्यूशनरी बेनिफिट के लिए परफॉर्म कर रहा है, एंड हाउ डिड बिहेवियर इवॉल्व, बिहेवियर कैसे इवॉल्व हो रहा है, सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू या नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवोल्यूशन जो है इवॉल्व हो रहा है। तो ये है आज के लिए आपका, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है? अच्छा,
कमेंट में जरूर बताना है कौन सी चीजें में डाउट है। आई होप आपको सिंपल सा मतलब समझ में आ रहा होगा अल्टीमेट एंड प्रोक्सिमेट। प्रोक्सिमेट अभी के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, अल्टीमेट इवोल्यूशनरी क्या बेनिफिट हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू। और एक चीज है, यदि आप जुड़ना चाहते हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए सारे बहुत सारे बच्चे कंप्लीट कर दीजिए कोर्स, क्योंकि कोर्स वहीं पे रन हो रहा है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कॉन्टैक्ट करके पूछिए। और एड स्टार्ट की जो एप्लीकेशंस है आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इंस्टीट्यूशन से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअली अभी के लिए वो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, जो बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, सो थैंक यू।